अमूल्य समय दिया हमारे मंच पे विराजे परम सम्मानीय हमारे समाज के अग्रणी समाज सेवी सम्मानीय प्रोफेसर साहब ग्रेसिया जी डूंगरपुर से हमारे प्रत्याक्षी रहे कांति भाई रोहन एवं यहाँ पर समस्त उपस्थित जन आदिवासी अभी जिन हमारे समाज के गद्दारों ने हमें मजबूर किया है, लेकिन हम भी उन्हें उन समाज के गद्दारों को ये बताना चाहेंगे आने वाले समय में कि हमने जिस स्थान पर समाज की बैठक की थी, जिस स्थान पर समाज को हमने एक सही रास्ते के लाने की दिशा में एक बैठक बुलाई थी, जो हमारा चिंतन शिविर था, वहां से हमने प्रतिज्ञा किया है। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि हम आने वाले समय में आपके 2 महीने में हम आपको भी बता के छोड़ेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। आपने हमें जो किया बहुत बढ़िया किया है, आपने हमें यहां से उठा करके दूसरी जगह बिठाने का अच्छा मौका दिया। किस्मत है यहाँ पर इस धरती पर जो पावन धरा है यहाँ पर किसी के अच्छे पेड़ पड़े हुए हैं और आप इनको मौका मिला, नहीं तो अच्छे अच्छे तरसते हैं बैठक मीटिंग करने के लिए। लेकिन आप देखिए आने वाले समय में हम आपको डंडे की जोर से बताना चाहेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं और आप क्या करना चाह रहे हो। आपने हमारे समाज को एक दिशाहीन भटकाने के लिए भटकने का रास्ता दिखाया है, लेकिन हम आपको भटका के रहेंगे, आपको रास्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप तरतर भटकोगे, आपको एक दिन समाज की जाजम पे आकर बैठना पड़ेगा, समाज के चरणों में आकर झुकना पड़ेगा कि मैं भी समाज का हिस्सा हूं और समाज में मुझे लीजिए। इसलिए आप ऐसा मैं नहीं सोचिए, हमारे समाज के कुछ गंदों लोगों ने हमारे समाज का बिगाड़ किया, अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने के लिए हमारे समाज को गंदा किया है और समाज में कुरीतियां फैलाई है, समाज में एक दूसरे को लगड़ी डाल के लड़ने का काम किया है, वो ठीक नहीं है। आप समझ जाइए, समझ जाइए, पूरे देश के आदिवासियों को यह आह्वान करना चाहते हैं कि पूरे देश के आदिवासी तुम एक हो जाइए, एकजुट हो जाइए। आपको हम आह्वान करते हैं इस बांसवाड़ा की पावन धरती से, आह्वान करते हैं पूरे देश के आदिवासियों को, ये सुन ले पूरा विश्व भी सुन ले कि हम आपको आह्वान करना चाहते हैं, एक जाजम पे आ जाइए, हम क्या नहीं कर सकते, पूरे देश की भारत की धरती को बदल देंगे। ये भीलों का भारत है, ये भीलों के नाम से पड़ा है भारत। आपको भारत खोजने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पर ये भारत है, भीलों में बैठा हुआ भारत है। और ये सुनहरा देश है हमारा, और सुनहरे देश के अंदर आकर के आपने गंदगी फैलाई है। हमारे देश के बाहर से आए हुए लोगों ने जो गंदगी फैलाई है, अपनी गंदगी को समेट ले। जिस प्रकार दिल्ली में केजरीवाल ने समेट लिया है, उस प्रकार पूरे देश में अपनी अपनी गंदगी समेट ले और अपने रास्ते पे निकल जाए। हम आपको कहना चाहते हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, कहना तो बहुत है, लेकिन हमारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, हम सभी को मार्गदर्शन देंगे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, यहां से सबक लेके जाना साथियों कि हमें जिस स्थान पे हमें जो कायम जो झंडा रोपना था, हमारा झंडा गड़ा था, उस झंडे को एक दिन हम वापिस वहीं पर झंडा गाड़ेंगे और उसी स्थान पे जाके हम एक दिन चिंतन शिविर करके छोड़ेंगे और इनको बताएंगे। साथियों, मैं आम जनता को, आम हमारे समस्त कार्यकर्ता और हमारे माता बहने सभी को कहना चाहूंगा कि इस